चलिए बढ़ते खबरों में आगे, बात अब उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में कहर बरपा है और पिथौरागढ़ में भारी भूस्खलन की खबर है। सड़क पर मलबा फैला, ये तस्वीर देखिए किस तरह से, ये खौफ से भर देती तस्वीर है। लैंडस्लाइड के बाद धारचूला तवाघाट राजमार्ग बंद पड़ गया है, तो लगातार उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे समेत कई सड़कें बंद पड़ गए हैं और ऐसे में जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए बारिश का दौर कई जगहों पर जारी है और ऐसे में लगातार लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही है, जो लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है और बारिश के बाद राज्य में देखिए लगातार जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने राज्य में कुल 478 सड़कों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया, ये जानकारी भी सामने आई है। तो लगातार बारिश जारी है और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड के बाद वहां पर धारचूला तवाघाट राजमार्ग बंद, बड़े बड़े जो बोल्डर हैं, पत्थर है, वो सड़कों पर आ जाते हैं और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। एक शख्स की मौत की भी खबर इसमें सामने आई थी। तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए अलर्ट भी जारी किया, लेकिन ये तस्वीर देखिए जो खौफ से भर देती है, क्योंकि सड़कें जिससे लोग आना जाना करते हैं और अचानक से लैंडस्लाइड जो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करता है और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। तो लगातार उत्तराखंड में और पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर हो रही है। तो वहीं उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से लैंडस्लाइड होगी, भूस्खलन से सड़कों पर, पहाड़ से मलबा आ गया। आपको बता दें कि मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ से अचानक से मलबा सड़क पर आया और उसके बाद एक शख्स उसकी चपेट में आ गए जिससे उनकी जान चली गई। जेसीबी के जरिए यहाँ से मलबा हटाने का काम किया गया। आप देखिए लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, भारी बारिश हो रही है, मिट्टी धस रही है, पहाड़ कच्चे हो रहे हैं और उसके बाद ना सिर्फ मलबा बल्कि जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं वो भी सड़कों पर आ रहे हैं। इससे जो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कई बार वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, बड़े हादसे हो जाते हैं और ऐसा यहाँ पर हुआ है। आप देखिए पूरी जो मिट्टी है पहाड़ से वो सड़क पर आ गई, ये पत्थर ज़रा देखिए बड़े बड़े ये पत्थर हैं और ऐसे में एक शख्स इसकी चपेट में आ गया जिससे उनकी जान चली गई है। भूस्खलन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंपावत में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड है, लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि घरों में रहिए, पहाड़ों पर ज़्यादा सफ़र मत कीजिए। जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा जोखिम हो जाता है और ऐसे में आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। अभी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहाँ पर मौसम भी आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है और फिलहाल ये कहा गया है कि सितंबर का महीना और इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, वकीलों के गलत बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमारा भरोसा हिल रहा है, रोज 80 केस लिस्ट होते हैं, हर पेज से गुजरना मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर की। 10 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने यह कहा कि दोषियों को रिहाई में छूट दिलाने के लिए वकील झूठ बोलते हैं, इससे हमारी आस्था डगमगा जाती है। जस्टिस अभय एसोका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने यह कहा है कि वकील बार बार अदालत के सामने और दोषियों की समय पर रिहाई के लिए दायर याचिकाओं में झूठे बयान पेश करते हैं। पिछले 3 हफ्ते में हमें ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां याचिका में झूठे बयान दिए गए। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हर रोज हर बेंच के सामने 60 से 80 मामले लिस्ट होते हैं। जज के लिए अदालत में लिस्ट हर एक मामले के हर एक पेज को पढ़ना संभव नहीं होता है। हालांकि सभी मामलों को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए जो कार्यशैली है उस कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर किया और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इतने सारे पन्ने पलटना, उनको पढ़ना मुश्किल होता है और जो वकील हैं वो हमेशा जमानत दिलाने के लिए कई बार झूठे जो गवाह होते हैं उनको लेकर आ जाते हैं, कई बार लंबे लंबे पेज होते हैं जिनको पढ़ने के लिए अब हमारे पास वक्त भी नहीं होता, लेकिन उनके झूठ के कारण से, उनकी इस कार्यशैली के कारण से काफ़ी परेशानी हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्योंकि अखबारों की बात हो रही है तो अमर उजाला में जो फ्रंट पेज पर खबरें हैं उनमें 2 खबरें हैं मुख्यतः। एक अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल के एक ऐलान ने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया और चर्चा कल अरविंद केजरीवाल के इस कदम की होती रही और दिन भर आप देखिए पॉलिटिकल रिएक्शन आते रहे। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, पहली खबर ये, और दूसरी एक देश एक चुनाव कानून इसी कार्यकाल में लागू होगा और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर है।
यानी कि लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और एक देश एक चुनाव जिसका जिक्र बार बार बीजेपी करती हुई नजर आती है, माना यह जा रहा है कि इस बार इस दिशा में कदम तेजी से बढ़ेंगे और अगली बार जो चुनाव होंगे देश के वो देश में एक चुनाव होगा। देखिए, सरकार ने कहा कि नीतिगत मामले में नहीं होगा समझौता, जनगणना जल्द होगी लेकिन जाति का कॉलम जोड़ने पर अभी फैसला नहीं। यहाँ पर देखिए दो बातें हैं, पहला ये कि आप जानते हैं कि एक दशक में जनगणना होती है और क्योंकि 2019 में यूँ तो होनी थी जनगणना लेकिन फिर 2020 में थोड़ा सा और डिले हुआ क्योंकि कोरोना आ गया और अब माना यह जा रहा है कि अब जाकर जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। लेकिन इसमें कॉलम जो जाति का है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जाति को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार सियासत होती रही, अब उस जाति वाले कॉलम को लेकर अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है कि क्या यह जाति वाला कॉलम होगा। और बड़ी बात यह है कि लोग अब अपने आप मतलब खुद को इसमें अपना डेटा फीड करेंगे, मतलब वो खुद बताएंगे और ये जो डेटा है वो ऑथेंटिक हो, एकदम करेक्ट हो, इसके लिए जो उनके डॉक्यूमेंट्स है अपने उनको वो पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा ताकि जो डेटा होगा, जो फैक्ट्स होंगे वो एकदम सटीक हो। तो देखिए, केंद्र सरकार ने दावा किया कि पंचायत से लेकर लोकसभा एक साथ चुनाव कराने के मामले में वो अपने रुख पर कायम है और इससे जुड़ा कानून हर हाल में इसी कार्यकाल में लागू होगा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने के लिए लगातार मंथन जारी और ये नीतिगत मामला होने के साथ साथ देश हित में जरूरी भी है। और साथ ही साथ यह देखिए, समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने विचार रखे हैं उनमें 32 में जो लोग हैं वो इसका साथ दे रहे हैं, 32 ने इसका समर्थन कर दिया है और एक साथ चुनाव कराने का कानून मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू होगा। सोर्सेज के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक जनगणना कराने की प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जाएगा और इस संबंध में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या जाति जनगणना की मांग के मद्देनजर इसमें जाति का कॉलम जोड़ा जाएगा, तो इस पर जो सोर्सेज है वो कहते हैं कि फिलहाल इस पर कोई अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं मंजूर हुई है, लेकिन सबसे अहम माना ये जा रहा है कि क्योंकि ये मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल है, इससे पहले 100 दिन में आप देखिए अहम फैसले लिए गए। पिछली बार की बात करते हैं तो आपने देखा कि अहम फैसले लिए गए, इस बार की अगर बात करते हैं तो अभी तक इस तरह के कुछ बड़े फैसले नज़र नहीं आए। लेकिन हाँ, अब ये माना जा रहा है कि लंबे समय में जो फैसले जिनका जिक्र बार बार किया गया उनको उनका क्रियान्वयन जरूर किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मणिपुर की करेंगे जहां प्रदर्शनकारियों के पास हाईटेक हथियार, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें 20 सितंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद और मणिपुर पुलिस चिंतित है, परेशानी बढ़ गई है। मणिपुर पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रविवार को चिंता जताई और DIG हीरोजीत सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी स्वचालित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कि मुश्किलें खड़ी कर रही है। देखिए, हमारे पास विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वचालित हथियारों से फायरिंग किए जाने का साक्ष्य है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि खाबे सोई में हाल ही में स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की गई और गोलीबारी में इम्फाल ईस्ट कमांडो में एक अधिकारी और एक अन्य कर्मी घायल हो गए। तो मणिपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहाँ की तस्वीर फिलहाल किसी से छिपी नहीं है, पुलिस की टीम लगातार मौजूद है, लगातार आप ये भी बताते चले चप्पे चप्पे पर तैनात है, स्थिति वहाँ पर कंट्रोल में रहे और ऐसे में प्रदर्शनकारियों के पास से हाईटेक हथियार भी बरामद। देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र, हर डॉक्टर की होगी यूनिक आईडी, NMC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इसके लिए जरूरी होगा, पता चलेगा कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं और उनके पास कौन सी डिग्री है। NMC पोर्टल पर MBBS डॉक्टर्स के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, देश के 13 लाख से अधिक डॉक्टर्स के बारे में इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, देश में हर डॉक्टर की एक अलग पहचान होगी, उन्हें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। सरकार ने सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर यानी कि NMR में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। डॉक्टर्स को MBBS सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड सबमिट करना होगा और इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने तैयार किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया था और इसमें ये लिखा था कि इंडियन मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड सभी MBBS डॉक्टर्स को अब नेशनल मेडिकल रजिस्टर में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पोर्टल से देश के सभी मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल काउंसिल भी जुड़े होंगे, जिससे पूरी जानकारी हर एक डॉक्टर के सामने आएगी और कितने डॉक्टर कुल हैं ये क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करते हैं। मस्क का स्पेस मिशन कामयाब,
चार एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे हैं। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की पानी में लैंडिंग हुई है। वापसी में 27,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड देखने को मिली। 1900 डिग्री तापमान यहां पर था। स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन क्रू 15 सितंबर को पृथ्वी पर वापस लौट गया है। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ने 1:06 पर फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टुगास कोस्ट पर लैंडिंग की है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस क्राफ्ट की रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हवा से टकराने के कारण घर्षण पैदा हुआ और तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एलन मास्क की कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से पोलारिस डॉन मिशन को 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 5 दिन के इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट जिस ऑर्बिट में गए थे उसमें 50 साल से ज्यादा समय से कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं गया था। तो एक बड़ी कामयाबी मस्क को ये मिली है। स्पेस मिशन में ये एक अहम कामयाबी मस्क को मिली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी बदहाल बांग्लादेश की, जिसके लिए अमेरिका ने खोला है खजाना और अमेरिका $20 करोड़ की आर्थिक सहायता देगा। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया और इसका इस्तेमाल सुशासन के लिए किया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश में जो एक अस्थिरता का माहौल देखने को मिला, उसके बाद आपने तस्वीर देखी किस तरीके से वहाँ पहले हिंसा लगातार होती रही और उसके बाद में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, फिर वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है और उसके बाद में जो बांग्लादेश में हालात इस वक्त हैं उसके मद्देनज़र अमेरिका ने अपना खजाना खोला है। और बदहाल बांग्लादेश के लिए जो अमेरिका ने अपना खजाना खोला है, इसके इस्तेमाल की अगर बात है सुशासन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। $20 करोड़ की आर्थिक सहायता अमेरिका ने दी है। बढ़ते खबरों में आके बांग्लादेश को 1700 करोड़ की मदद देगा अमेरिका। बड़ी जानकारी, ढाका के दौरे पर अमेरिकी डेलीगेशन और कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रहा देश। अमेरिका ने बांग्लादेश को 1700 करोड़ रुपए देने की मदद का ऐलान किया है और इस मदद के लिए बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने एडिशनल सेक्रेटरी AKM शहाबुद्दीन और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था के डायरेक्टर रीड जे एश्लीमन ने ढाका में एग्रीमेंट पर साइन किए। इस दौरान बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट एग्रीमेंट में ये जो है वो 6वां संशोधन किया गया है और बांग्लादेशी वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस मदद का इस्तेमाल युवाओं के कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और व्यापार के अवसर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि USAID के बांग्लादेश मिशन समझौते की जानकारी एक्स पर पोस्ट करके शेयर की गई है। अब बात चीन की करेंगे। चीन के शंघाई में शक्तिशाली तूफान विबिंका का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि 75 साल में ये सबसे ताकतवर है। सैकड़ों उड़ानें इसकी वजह से रद्द कर दी गई है। चीन में 15 दिन में दूसरा तूफान आया है और चीन में 15 दिन के अंदर दूसरी बार तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इस बार शक्तिशाली विबिंका तूफान दस्तक देने वाला है। विबिंका पिछले 75 सालों में यानी कि 1949 के बाद शंघाई आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान हो सकता है। फिलहाल ये शंघाई से 400 किलोमीटर दूर ईस्ट चाइना सी में मौजूद है। तूफान की वजह से हवाओं की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जो रविवार देर रात 155 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा था और इसे शक्तिशाली तूफानों की कैटेगरी 1 में रखा गया है। तूफान से निपटने की तैयारियों के चलते चीन ने सैकड़ों फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। ये तूफान सोमवार देर रात शंघाई के तट से टकराएगा। शंघाई से अब तक लगभग 10,000 लोगों को निकाला गया है। तूफान विबिंका की वजह से 254 mm बारिश हो सकती है। तो देखिए, खतरा लगातार इस तूफान का बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तूफान है और ये चीन में 15 दिन में दूसरा ऐसा तूफान होगा। लेकिन उससे पहले जब तूफान आया था तो देखिए किस तरह की तस्वीरें थी। ये जो गाड़ियां हैं ये पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी, हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही थी। और अगर अब ऐसी तेज रफ्तार के साथ हवाएं चलती रही तो जाहिर सी बात है लोगों पर एक बार फिर से संकट मंडराने लगेगा। तस्वीरें इस वक्त आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूएस की। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी की खबर है। कोई हताहत नहीं हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं।
जुलाई में पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला इससे पहले हुआ था। एक संदिग्ध को गिरफ्तार हालांकि किया गया। घटनास्थल से AK-47 भी बरामद हुई है। कमला हैरिस ने भी इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की है। गोल्फ क्लब के बाहर हुई गोलीबारी पर ट्रंप का जवाब भी आया है। ना रुकेंगे ना सरेंडर करेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित गोल्फ क्लब के बाहर रविवार दोपहर गोलीबारी की खबर है। चुनावी अभियान की कमान संभालने वाले संचार निदेशक स्टीवन चेयोंग ने कहा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। गोलीबारी किसने की अभी इस बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान भी ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। इस दौरान गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। हालांकि अब एक बार फिर से इस तरह से गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी की खबर है, लेकिन ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और इसको देखते हुए कमला हैरिस का भी बयान सामने आया। इससे पहले आपने 13 जुलाई को भी देखा था कि किस तरह से पेंसिल्वेनिया में जब एक रैली कर रहे थे ट्रंप, तो उस वक्त उन पर हमला किया जाता है। हालांकि उस वक्त भी ट्रंप बाल बाल बच गए थे। और इस बार भी एक बार फिर से गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी की खबर है, जिसमें ट्रंप पूरी तरह से अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और इस बात का जिक्र अखबार के अंदर भी किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा गोल्फ क्लब के बाहर दो लोगों ने एक दूसरे पर, यहां बताया जा रहा है, कि फायरिंग कर दी। इस वारदात में ट्रंप पर कोई खतरा नहीं आया, वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है जो US सीक्रेट सर्विस की तरफ से कि ये वारदात दोपहर 2 बजे से पहले हुई है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले ट्रंप की प्रचार टीम ने यह बताया था कि नजदीक हुई फायरिंग में वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना का कोई विवरण नहीं दिया गया था। ट्रंप सप्ताह के अंत में वेस्ट कोस्ट के दौरे से फ्लोरिडा लौटे थे और वो यहां लॉस वेगास की रैली और यूटा में धन जुटाने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ट्रंप अक्सर सुबह का समय गोल्फ खेलने में बिताते हैं और दोपहर का भोजन ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वेस्ट पाम बीच में करते हैं। और इस बीच ही यहां गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी हुई है। देखिए, दूसरी बार मौका है जब गोलीबारी हुई है। एक तरफ जहां लगभग इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले इस तरीके के हमले जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। और कमला हैरिस भी इस पर अपना एतराज जताती हुई नजर आने का कि देश में ये बर्दाश्त योग्य नहीं है।